9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सूबे के दलित राजनीति में अभी तक सबसे बड़ा चेहरा मायावती को ही माना जाता है। यही नहीं, इसी दम पर बसपा प्रमुख ने 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री पद को भी संभाला है। मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी उन्होंने मौजूदा समय के दौर में उनकी पार्टी चारों खाने चित हुई पड़ी है। अब ना तो पहले की तरह मायावती जमीनी संघर्ष करते हुए नजर आती है और ना ही अपने कैडर के साथ संवाद स्थापित कर पा रही है। बताते प्रदेश में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के सक्रिय हो जाने को भी उनकी दलित राजनीति प्रभावित होने का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। बसपा के लगातार गिरते जनाधार की वजह से पार्टी के सामने यह सवाल उठ रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती के बाद इसकी बागडोर किसके हाथों में होगी या फिर मायावती किससे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगी। बता दें उनके 65वें जन्मदिन पर एक बार फिर ये सियासी चर्चा गर्मा गई कि क्या 2022 चुनाव से पहले मायावती इस बारे में कोई संकेत देंगी। हालांकि बसपा प्रमुख ने कई बार इसके संकेत दिए हैं कि वो अपना राजनीतिक वारिस किसे बनाएंगी। मायावती ने बहुजन समाजवादी पार्टी से अपने भाई आनंद को जोड़ा था, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो विवादों में गिर गए। इस वजह से आनंद कुमार को लेकर भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा बंद हो गई है। बता दें बाद में मायावती ने अपने भतीजे को अपने राजनीतिक वारिस के रूप में आगे बढ़ाया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के साथ सक्रिय भी दिखाई थी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये बात पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, पार्टी के कई और भी दलित नेता हैं जिन्हें मायावती के उत्तराधिकारियों के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती के अलावा किसी भी नेता को बोलने की इजाजत नहीं है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के अलावा पहले निजामुद्दीन और आर के चौधरी के पक्ष रखे थे, लेकिन निजामुद्दीन और आर के चौधरी भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बड़े नेताओं के नाम पर बसपा में मायावती के अलावा सतीश चंद्र मिश्र के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। बता दें एक समय था जब मायावती के भाई आनंद को भी उनके राजनीतिक वारिस के रूप में देखा जा रहा था। इसके कयास तब लगाए जाने लगे जब साल 2018 में अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया था। तभी मायावती ने कहा था कि मैंने अपने भाई आनंद कुमार को इस शर्त पर बीएसपी में लाने का फैसला किया है कि वो कभी एमएलसी, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसी वजह से मैं आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मायावती ने उन्हें उनके पद से ही हटा दिया और कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए कोई अपने नाते रिश्तेदार को पार्टी में पद नहीं दे पाएगा। अब देखना काफी अहम हुआ क्या बसपा और क्या मायावती अपने उत्तराधिकारी 2022 चुनाव के लिए चुनेंगी या फिर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।